आयुर्वेदिक एक दवाई बता रहे हैं, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास जो है वो बिल्कुल ग्रास फैमिली में आता है। इसका आप चाय बना के पी सकते हैं। चाहे तो आजकल ऐसी बॉडी जो है वो मोटे मोटे हो गए हैं तो बोलते हैं कि हम चाय नहीं पियेंगे, तो इसके लिए आप हर्बल टी बना सकते हैं। और इसको लगाना भी इजिली है, आप घर पे भी गमले पे लगा सकते हैं। जैसे कि इस है ना, ये इससे क्या होता है, सर्दी खांसी है, बुखार है आपका, ये सारी बीमारी ठीक होती है, सिर दर्द कम हो जाता है। हमको लगता है कि हम एक नशा हो गया है चाय पीने का, अगर हम चाय नहीं पीते तो ऐसा लगता है कि हमारा सिर दर्द हो रहा है, हम फ्रेश नहीं है। तो उसकी जगह में आप ये लेमन ग्रास की एक पत्ती आप तोड़िए, और इसको ऐसे तोड़ के पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथ पे आप तोड़िए और अपने खौलते हुए पानी में डालिए और इसकी चाय बना के आप पीजिए। ये तो सोठ, इलायची है, अदरक है, उसको आप भूल जाएंगे अगर इसकी चाय अगर पियेंगे तो। इसकी खुशबू भी बहुत ज़ोरदार रहती है, बहुत अच्छी रहती है इसकी खुशबू भी। इसको हम कैसे लगाते हैं देखिए, इसको एक उखाड़ेंगे हम, ऐसे जड़ से उखाड़ लीजिए, बहुत सारे हैं इसमें, कोई भी एक जो है पौधा उखाड़ लीजिए और इसको हम गमले पे, इसमें गमले को हम पहले से तैयार करके रखें, इसमें मिट्टी और गोबर की खाद, उसके बाद कोई ऑर्गेनिक खाद की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको गोबर चाहिए। गोबर भी इजली मिल जाता है, घर के आस पड़ोस में भी गाय की गोबर मिल जाती है। इस पर हम इसको ऐसे लगा दिए और इस पर हम पानी डाल दिए, फिर धूप पे ही रहने दीजिए, ये एक हफ्ते में तैयार हो जाता है। सारा गमला देख रहे हैं आप, इस तरह से देख रहे हैं, सारा गमला पूरा ऐसे भर जाता है। इसमें डेली आप एक पत्ती तोड़िए, जितनी पत्ती तोड़ते जाएंगे उतनी पत्ती नहीं निकलते जाएगी। तो मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो। धन्यवाद।